नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और मैं हूं पूजा यादव। देवों के देव महादेव यानी भगवान शिव का आज दिन है। जी, आज है महाशिवरात्रि और डीएनपी इंडिया की तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के खास मौके पर हरिद्वार में शुरू हुए महाकुंभ का आज पहला शाही स्नान था। शाही स्नान की शुरुआत में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जूना अखंडा और अहन अखंडा, साथ ही अगिन अखंडा और किन्नर अखंडा के करीब 22 लाख लोगों ने आज हड़की पौड़ी महाकुंड में डुबकी लगाई, जिसके बाद करीब 1 बजे निरजनी अखंडा और आनंद अखंडा ने हड़की पौड़ी पर स्नान किया। अब करीब 4 बजे महानिर्वाणी अखंडा और अटल अखंडा समूह के लोग स्नान करेंगे। इस दौरान श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए जाएंगे। कोरोना वायरस का ये माहौल है, इसके चलते राज्य सरकार की एसओपी के मुताबिक श्रद्धालुओं के लिए स्नान घाटों पर किसी भी तरह के भंडारे करने पर रोक रहेगी। जैसे कि आपको बता दूं, जैसे ये जहां पर महाकुंभ होते हैं तो हमेशा विशेष तौर पे भंडारे किए जाते हैं, और इस बार किसी भी तरह से जो है भंडारे नहीं किए जाएंगे। साथ ही भीड़ लगाकर भजन कीर्तन करने पर भी मनाई रहेगी। पुलिस सुरक्षा के भी लेकर अगर मैं पुलिस सुरक्षा की बात करूं तो पुलिस सुरक्षा की भी भारी इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ के दौरान किसी भी तरह की भगदड़ से बचने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। मेला क्षेत्र को 3 सुपर जोन, 9 जोन और 25 सेक्टरों में बांटा गया है। आपको बता दूं, पुलिस कर्मियों के लिए इस जोन में बांटने के लिए और मेला पर खास फोकस रखने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। इस बीच अगर किसी भी श्रद्धालु या फिर यात्री अगर उन इस बात के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो सरकार और पुलिस की तरफ से उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया।